दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक बार। दोस्तों, आपको पता होगा मेरे पास जो रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 BS6 मॉडल था, मैंने उसको बेच दिया। अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि मैं अब दूसरी कौन सी बाइक लूँगा। मेरे से सवाल पूछे जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा कि भैया आप कौन सी बाइक लोगे, और ये सवाल उठना ज़रूरी है क्योंकि जब मैं यहाँ बैठ के आप लोगों को राय दे रहा हूँ तो ये भी जानना ज़रूरी है कि मैं खुद किस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, मैं कौन सी बाइक अपने खुद के लिए खरीदूंगा, तो ये जानना भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, मेरे से कुछ इस तरह के कमेंट लोग कर रहे हैं कि आपने अपनी बाइक बेच दी तो आप चाह रहे हैं हम भी अपनी बाइक बेच दें, और आपने अपनी तो बेच दी, हम हमारी बाइकों में बुराई क्यों निकाल रहे हैं, हमारी बाइकों के बारे में गलत गलत क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ कह दूं कि मैंने कभी भी अपनी किसी वीडियो में ये बात नहीं कही है कि आप बुलेट 350 BS6 मत खरीदो या क्लासिक 350 BS6 मत खरीदो। मैंने सिर्फ आपसे बात करी है इश्यूज़ के बारे में जो मैंने फ़ेस किए। अब क्योंकि मुझे बुलेट 350 BS6 में इश्यूज़ बार 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 आ रहे थे, और वो इश्यूज़ इस तरह के थे कि या तो मैं अपनी बाइक को खड़ा कर देता, उसको चलाना बंद कर देता, या फिर इश्यूज़ के बारे में भूल जाता, जैसी थी ऐसे ही चलाता रहता। वो क्योंकि इश्यूज़ इस तरह के नहीं थे जिनको मैं उन इश्यूज़ के साथ में उस बाइक को चलाने में समर्थ था, तो इस वजह से मजबूरन मुझे वो बेचनी पड़ी। मैं मानता हूँ कि मुझे बाइक रास नहीं आई, सब लोगों के साथ दिक्कत नहीं आती। आपका कहना ये भी है कि हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो मैंने बोला था अपनी वीडियो में कि ज़रूर नहीं है कि आपको भी कोई दिक्कत आ रही हो। खैर, ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, ये भी इस वीडियो से आपको काफ़ी हल होगा, ये चीज़ कन्फ्यूज़न जो है ये काफ़ी हल होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि किस कैटेगरी की तरफ मैं जाऊँगा। अब क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स बाइक काफ़ी ख़रीदी हैं, मेरे पास पल्सर 220 भी रही है, अपाचे 180 भी रही है, मेरे पास हीरो की इम्पल्स जो आपने बाइक देखी होगी वो भी रही है, होंडा की हॉर्नेट बाइक भी मेरे पास रही है, क्लासिक 350 मेरे पास रही है। मैंने करीब करीब 12-13 बाइकें अब तक मैं बदल चुका हूँ, और इस समय पर मेरे पास HF डीलक्स जो एक 100 CC की एक स्मॉल CC कैटेगरी की बाइक है वो है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं रेट्रो बाइक की तरफ ही जाऊँगा, मतलब मेरे पास जो ऑप्शन होंगे वो होंगे जावा कंपनी के, रॉयल एनफील्ड के और होंडा के, अभी जो फ़िलहाल मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके बीच में अगर अभी 2-3 महीने में कुछ और बाइकें भी लॉन्च होती हैं तो डिपेंड करता है कि ऐसा होता है या नहीं होता। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैं बुलेट से प्यार करता हूं, पसंद नहीं करता, भले ही उसने मुझे प्यार में धोखा ज़रूर दे दिया हो, लेकिन फिर भी मैं उसी की ही तरफ जाऊंगा, और मैं वेट करूंगा रॉयल एनफील्ड की तरफ से उसकी जो 350 BS6 मॉडल जो आ रहा है उसमें कोई अपडेट आए, या फिर बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन जल्दी से लॉन्च हो। अगर बहुत ज़्यादा डिले होती है बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन, मान लीजिए वो अगले साल तक जाती है, तो मैं फिर ये देखूंगा कि क्या रॉयल एनफील्ड अपनी बुलेट 350 में कोई अपडेट कर रहा है, मतलब उसका जो इंजन में इश्यूज जो आ रहे हैं, मिसिंग इशू जो आ रहा है, एक तरफ जो भागने का इशू जो लगभग हर बंदे के साथ में आ रहा है, एक तरफ भागने का इशू ऐसा है जो हर एक बंदे के साथ में आ रहा है, तो इस तरह के इशूज़ को सोल्व कितनी जल्दी करता है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं बुलेट 350 जो अभी BS6 आ रहा है, अपडेट अगर वो होती है, उसके जो इशू जो हैं वो सॉल्व होते हैं, तो मैं बुलेट 350 दोबारा से ले लूँगा। अगर दोस्तों बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन आती है इस साल में या 2022 के शुरुआत में, तो भी मैं बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जाऊँगा। और अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन अभी नहीं आती, काफ़ी समय तक नहीं आती, तो फिर मैं जाऊंगा क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। जो अभी क्लासिक 350 नेक्स्ट अभी जो BS6 मॉडल जो आ रहा है, अभी मैं उसको नहीं खरीदूंगा, और इसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे ये पता है कि नेक्स्ट जनरेशन बहुत करीब है आने के और बहुत जल्दी लॉन्च हो सकती है। हो सकता है जून के महीने में लॉन्च हो जाए, हो सकता है जुलाई में लॉन्च हो जाए, लेकिन बहुत जल्दी लॉन्च होने के करीब है, और कंपनी पूरी तरीके से इस समय तैयारी कर रही है कि भाई क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करे वो अपनी। तो दोस्तों, ये थी वीडियो मेरी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।